फूले ब्रिगेड की ओर से शनिवार को लक्ष्मणगढ़ के योगेश सैनी को आर्थिक मदद की गई। संस्था के अध्यक्ष जयप्रकाश सैनी ने बताया कि सैनी समाज के योगेश सैनी की दोनों किडनियां खराब है, ऐसे में उसका इलाज अहमदाबाद के एक अस्पताल में होगा जिसका खर्च करीब 30 लाख रुपए आएगा। इस परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 30 लाख रुपए वहन कर सके, ऐसी परिस्थिति में उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए कई सामाजिक संगठन और समाज के लोग आगे आए हैं, वे हर संभव मदद कर रहे हैं। फूले ब्रिगेड ने शनिवार को 47,000 की आर्थिक सहायता इस परिवार को दी। वहीं उन्होंने सक्षम लोगों से भी अपील की है कि इस पीड़ित परिवार की मदद करें जिससे योगेश की किडनी ट्रांसप्लांट हो सके। इस अवसर पर सैनी समाज संस्था अध्यक्ष भंवरलाल, फूले ब्रिगेड जिला प्रमुख जयप्रकाश सैनी, फूले ब्रिगेड जिला संरक्षक उद्योगपति मुकेश खडोलिया, युवा व्यवसायी रमेश पवार, पार्षद भागीरथ, सेवानिवृत्त प्राचार्य रामोत्तार, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी द्वारका प्रसाद आदि उपस्थित रहे। लक्ष्मणगढ़ का एक परिवार है, रतनलाल सैनी के पुत्र हैं योगेश सैनी। इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं जिस वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अहमदाबाद के एक अस्पताल में इनका ऑपरेशन होना है। इनकी माताजी इनको एक किडनी देंगी जो कि क्रॉस मैच के तहत दी जा रही है, इसलिए इनके इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा है। लगभग 30 लाख के लगभग खर्चे का अनुमान अस्पताल प्रशासन ने बताया है, जिसके तहत सीकर जिले के और आसपास के और दूर दूर के बहुत से लोग और सामाजिक संगठन आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं। उसी प्रकार से आज सीकर सैनी समाज संस्था और फूले ब्रिगेड ने मिलकर इनको लगभग 47,000 रुपये की आर्थिक सहायता अभी उपलब्ध करवाई है। और भी सहायता के प्रयास किया जा रहा है, विभिन्न सामाजिक संगठनों तक और समाज के गणमान्य जनों तक पहुँचने का हमारा प्रयास है। अधिक से अधिक सहायता इस परिवार को इस संकट की घड़ी में दिलवाई जा सके ताकि इनका इलाज सुचारू रूप से हो सके और आगे भविष्य में जो इनके दवाइयों का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला है उसमें इनकी आर्थिक मदद की जा सके, इसके लिए सभी समाजों के सभी लोग प्रयासरत हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जयप्रकाश सैनी, जिला प्रमुख फूले ब्रिगेड।